उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आज इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ। आज अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा को सौंपने का मुझे अवसर मिला है। मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आभारी हूं, गुजरात सरकार का आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। 750 करोड़ रुपए की लागत से बना सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च आपकी सेवा के लिए समर्पित है। इस विश्व स्तरीय अस्पताल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश सरदार साहब को एक कुशल प्रशासक, विजनरी नेता और किसानों के मसीहा के तौर पर जानता है, लेकिन साथ साथ सरदार साहब स्वच्छता और जन आरोग्य को लेकर के भी बहुत आग्रही थे। इसी भावना के तहत उन्होंने अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में अपना योगदान दिया। जब वे इस नगर के अध्यक्ष थे, मेयर थे, उस समय भी स्वच्छता और स्वास्थ्य ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उस समय विश्वासी हुआ करते थे, एक प्राइम एजेंडा हुआ करता। और सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी, जिस शहर से उन्होंने अपना राजनीतिक दायित्व का प्रारंभ किया था, उस शहर का इस प्रकार से फलना फूलना, ऐसी बड़ी अस्पताल बनना, सरदार साहब जहां होंगे वहां उनके आत्मा को जरूर शांति मिलती है। और इस कार्य से जुटे आप सबको सरदार साहब के अनेक अनेक आशीर्वाद भी प्राप्त होते रहेंगे, मेरा विश्वास है। अहमदाबाद में बना ये नया और आधुनिक अस्पताल भी मैं समझता हूं स्वास्थ्य सेवाओं की दुनिया में अपने आप में अपना एक महात्मा बना हुआ। साथ ही इस अस्पताल का थोड़ी देर पहले मैंने निरीक्षण किया। मैं वाकई कहता हूं मैं मंत्र मुग्ध हूं और सच में। और जब एक सपना सच होता है, अपनी आंखों के सामने उसको देखने का मौका मिलता है, कितना संतोष होगा इसकी आप कल्पना भली भांति कर सकते हैं। 2011-12 में जब इस विषय की हम चर्चा कर रहे थे, तब भी न जाने कैसी कैसी नकारात्मक बातें चलती थी बाजार में, कैसे कैसे मनगढ़ंत आरोप लगते थे। लेकिन आज जो भी इसे देखेगा उसे जरूर संतोष होगा कि सामान्य मानवी के जीवन में ऐसी व्यवस्थाओं का कितना महत्व होता है। और देश में बहुत शायद कम कॉर्पोरेशन होंगे जो अपनी निर्धारित सेवाओं को जिम्मेवारी के अतिरिक्त इस प्रकार की जिम्मेवारियों को संभालते हो और उसको उत्तम तरीके से, आधुनिक तरीके से दुनिया की बराबरी करने वाली व्यवस्था बनाते हो, ऐसा बहुत कम नजर आता है। और इसलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी है। इस काम को करने वाले जिन जिन को जिम्मा मिला, क्योंकि करीब 2012 से चल रहा है,
जिन जिन को जिम्मा मिला है, जिन जिन लोगों ने अपना समय दिया, अपनी बुद्धि कौशल्य सामर्थ्य को समर्पित भाव से लगाया, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, जिसके कारण आज ऐसा उत्तम अस्पताल, और ये सिर्फ खेती के लिए नहीं, देश के अन्य राज्यों के लिए भी, और मैं समझता हूं ये वर्ल्ड क्लास अस्पताल के मुकाबले का अस्पताल, यहां के कमरे हो, बेड हो, या फिर यह पूरा कैंपस आधुनिकता और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 1500 बेड की सुविधा वाला यह अस्पताल अहमदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने वाला है। ये यहां का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां अपना हेलीपैड है, एयर एम्बुलेंस को उतारने की सुविधा है। साथियों, मुझे याद है कि एक दो दशक पहले तक गुजरात में न सिर्फ अच्छे सरकारी अस्पतालों का अभाव था, बल्कि इनके लिए डॉक्टर और दूसरे मैन पावर की आवश्यकता होती थी, उसकी भी बहुत बड़ी कमी थी। सरकारी अस्पतालों में से जाने से लोग बचते थे, और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर पाना सिर्फ साधन सफल लोगों के लिए ही बस में था, वही कर पाते थे। और ये चीजें मन को पीड़ा करती थी। इसी स्थिति से गुजरात को बाहर निकालने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत फैसले लिए थे। हमने नए सरकारी अस्पताल बनवाने, नए मेडिकल कॉलेज बनवाने, और मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। मुझे अब ये देखकर खुशी होती है कि आज गुजरात न सिर्फ गुजरातियों को बल्कि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में एक सक्षम इकाई के रूप में खड़ा होगा। पिछले 1.5 दशक से गुजरात में मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। अब विदेश से स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग गुजरात आते और सरदार साहब के नाम पर बना ये अस्पताल अब यहां के हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूती देगा। और सबसे अहम बात ये कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला ये एक और अस्पताल है। आम तौर पर होता ये है कि इतने आलीशान, इतने भव्य अस्पताल में पैर रखने से भी गरीब घबराता है। वो मानता है कि इतनी चकाचौंध में इलाज तो बहुत महंगा ही होगा, लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि सरदार साहब को समर्पित इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत गरीब का मुफ्त में इलाज होगा।